कृष्ण ने जो कुछ भी कहा मुझे तो उचित लग रहा है। क्यों मित्र? हाँ आर्य, कृष्ण का तर्क सही प्रतीत हो रहा है। वैसे मुझे भी कृष्ण की बात उचित लगी। ये तो वही व्यक्ति है जिसको मैंने स्वप्न में देखा था। राधा कहाँ रह गई? सारे दीप बुझा दिए ना पुत्री? हाँ माँ। क्या था ये सब? मैंने किसे देखा? कुछ ऐसा देख लिया जो कुछ नहीं। नहीं, बोलो बोलो क्या? कुछ ऐसा देख लिया जो संभव ही नहीं था। किंतु ऐसा क्या देखा तुमने? छोड़िए ना, जाने दीजिए। मैं बस ऐसा सोच रहा था कि अब मनुष्य योनि में भी राधा और कृष्ण का विवाह होने जा रहा है, तो क्यों ना यहाँ भी मैं एक साधारण मनुष्य की भांति ये विवाह का अनुभव कर। देखो ये सब मैं समझता हूँ कान, किंतु इस क्षण कुछ तो अवश्य ऐसा है जो तुम्हें चिंतित कर रहा है, जो तुम्हारी चिंता का कारण बना हुआ है। और मैं तुम्हारा दाऊ तो भला मैं तुम्हें चिंतित देख सकता हूँ? देख सकता हूँ? नहीं देख सकता। तो बताओ मुझे कि क्या देखा तुमने, तो उस चिंता का निवारण हम मिलकर कर सकते। चिंता तो होगी ही ना था, क्यों ऐसे बार बार राधा कृष्ण के ही विवाह में इतनी बात है? क्यों? सर्वप्रथम विवाह के लिए केवल 10 दिन, निमंत्रण पत्रिकाओं का जलना, फिर वागदान का ना होना, ये सब संयोग प्रतीत नहीं होता? बात तो तुम उचित कह रहे हो काना, किंतु क्या नारायण अपने अनंत ज्ञान से इन सब के पीछे का कारण ज्ञात नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। मनुष्य योनि में प्रेम सिखाने आया हूं, यहां हर एक क्षण मुझे एक साधारण मनुष्य की भांति ही बताना होगा। यदि मैं वर्तमान में जीकर प्रेम का अनुभव नहीं करूंगा, औरों को क्या सिखाऊंगा? तो सिखाओ भी जियो इस क्षण को काना, किसने मना किया है? और सारी चिंताओं और बाधाओं को अपने दाव पर छोड़ दो काना। राधा और कृष्ण का विवाह मेरे जीवन का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण उत्सव है। इस विवाह पर कोई हाँच नहीं आने दूंगा मैं। इस विवाह पर आने वाले प्रत्येक संकट का अंत कर दूंगा, किंतु ये विवाह अवश्य होकर रहेगा। और अब ये मेरा दृढ़ निश्चय है, ठीक है? तो तुम्हें चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। जी
जितनी बार कहूं उतनी बार कम है, किंतु दाऊ हो तो आप जैसे हो, अन्यथा ना हो। चलें अब घर मैया प्रत। अब क्या हुआ का ना? अपने और अपने परिवार के लिए मुझे ये पाप करना पड़ रहा है कृष्ण, आओ और अपनी राधा को बचा लो। लौट जाओ शंखचू, तुम्हारे असुरत्व में तुम्हारा सूरत स्पष्ट झलक रहा है। जो भी तुमने किया उसके पीछे तुम्हारा उद्देश्य बुरा नहीं था, किंतु जो पहले किया वो तो शत प्रतिशत गलत ही था। मुंजावन को अग्नि लगाकर मैं पहले ही महापाप कर चुका हूं। हे महापुरुष, अब यदि आप अपना वास्तविक स्वरूप दिखाने की कृपा करें तो कदाचित मुझे भी महाप्रायश्चित करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा।